हेलो नमस्कार, मैं उस्वेंदु और आप देख रहे हो टेक मोटर्स यूट्यूब चैनल। सो आज जो मेरे पास बाइक है ये होंडा का सबसे मतलब लोएस्ट प्राइस रेंज से शुरू होने वाला बाइक है। और ये बाइक वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, इस बाइक में क्या क्या फीचर्स आज के रेट में मिल रहा है, इस बाइक का ऑन रोड प्राइस कितना है और इस बाइक में क्या क्या माइलेज मिल रहा है, सारा का सारा कुछ बात करेंगे। तो बेसिकली ये जो मशीन है ये होंडा का जो न्यूली लॉन्च हुआ है 2023 में, जो होंडा साइन 100 है उसका ही 2024 वाला नया वर्जन का वीडियो लेके आया हुआ है। तो देखिए पूरा वीडियो। बहुत सिंपल सा बाइक है और ये बेसिकली लोएस्ट प्राइस में एक वैल्यू फॉर मनी बाइक कंपनी की तरफ से लेके आया है। जो जैसे कि आप देख सकते हो आप फ्रंट में ही इस बाइक का पूरा हेलोजिन टाइप का आपको हेडलैम्प मिल रहा है और उसके साथ साथ होंडा का यहाँ पर बैजिंग देख सकते हो और ब्लैक ग्लॉसी में आप लोगों को इसका वाइजर मिल रहा है। शॉर्टेड टाइप का एक डेली कम्यूटर टाइप का बाइक है। तो इस बाइक का प्राइस जो है जो कि काफ़ी वैल्यू फॉर मनी रखने का कोशिश किया है कंपनी की तरफ से, इस बाइक में आप लोगों को सिंपल सा कुछ फीचर्स मिल रहा है जो कि एक कम्यूटर बाइक होने के मामले में फुलफिल करता है, जिससे कि सबसे कम बजट में आपके पास एक टू व्हीलर आप अफोर्ड कर सकते हो। तो इसी बात का कंपनी ने पूरी तरफ से आप लोगों का ध्यान रखा है। सो यहाँ पर जैसे कि हेलोजन टाइप का हेडलैम्प, उसके साथ साथ जो टर्न इंडिकेटर है वो भी पूरा हेलोजन में ही आता है। फिर यहाँ पर नंबर प्लेट इंस्टॉलेशन का प्लेस, यहाँ पर आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप मैट में इसका मरगट आ गया और मरगट का यह दोनों साइड में आप लोगों को रिफ्लेक्टर कंपनी की तरफ से प्रोवाइड कर रहा है, जो कि सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से बहुत बढ़िया बोल सकते हो। टेलीस्कोपिक टाइप का सस्पेंशन मिल रहा है फ्रंट में, जो कि काफ़ी अच्छा आप लोगों को कंफर्टेबल देगा, चाहे आप रूरल एरिया में चलाते हो चाहे आप अर्बन एरिया में चलाते हो। देन बात करते हैं इसमें आपको जो एलॉय व्हील मिल रहा है, ये बेसिकली 2.7 नंबर का टायर मिल रहा है जो कि 17 इंच का एलॉय के साथ आ रहा है। और देख सकते हो फ्रंट में भी इस बाइक में ड्रम ब्रेक मिल रहा है और रियर में भी आपको ड्रम ब्रेक मिल रहा है। ड्रम के साथ सेफ आप लोगों को कॉम्बी टाइप का ब्रेकिंग, जो एक ब्रेक को अप्लाई करने से ही दोनों ब्रेक अप्लाई हो जाएगा, इस टाइप का ब्रेकिंग मिल रहा है जो कि कंपनी के तरफ से देखा जाए। फ्रंट का जो ड्रम का साइज़ है 130 mm का मिल रहा है, जो कि काफ़ी सफिशेंट है इस बाइक के मामले में। तो बेसिकली इस बाइक में तो आप लोगों को जो इंजन है ये भी छोटा सा ही मिल रहा है। आप लोगों को इस बाइक में 4-stroke SI 98.9 cc का एयर कूल्ड इंजन मिल रहा है, FI टेक्नोलॉजी के साथ E20 OBD2 वाला इंजन है 2024 का। ये बाइक फुल अपडेटेड टाइप का है। इस बाइक में आप लोगों को जैसे कि देख सकते हो ऊपर का जो टैंक है ये भी काफ़ी छोटा सा ही देखने में आप लोगों को मिल रहा है। और उसके साथ साथ इस बाइक का आप सीटिंग देख सकते हो, काफ़ी कंफर्टेबल टाइप का सीट है और काफ़ी आप लोगों को एक वाइट टाइप का सीट मिल रहा है। जैसे कि आप इस बाइक में यहाँ पर देख सकते हो क्रोम का फिनिश के साथ इसका फ्यूल कैप का इंटीग्रेशन और यहाँ पर दोनों साइड में स्टिकरिंग आप देख सकते हो, होंडा का यहाँ पर स्टिकरिंग है और यहाँ पर पूरा स्टिकर गया हुआ है। पूरी बेसिक टाइप का बाइक रखने की कोशिश किया गया है। यहाँ पर साइन का आप लोगों को स्टिकर मिल रहा है और पीछे का ऐसे ही सिंपल एक ग्रैप रेल दे दिया है, जो कि यहाँ पर देख सकते हो पीछे का ग्रैप रेल वाइट कलर में आ रहा है। दिन बात करते हैं इसका, आप सिंगल टाइप का हैंडल बार देख सकते हो, पाइप टाइप हैंडल बार है। यहाँ पर क्लच काफ़ी लाइट है और उसके साथ साथ इसका जो SP वाला ही आप लोगों को मिरर मिल रहा है। तो सब्सक्राइब डूड। सो दिन बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों को अपर डिपर का बटन और यहाँ पर टर्न इंडिकेटर का बटन, फिर नीचे हॉर्न और राइट साइड में सिर्फ आप लोगों को सेल्फ का ही बटन मिल रहा है और बेसिकली यही बेसिक सा फीचर्स है। और यहाँ पर आप लोगों को एनालॉग टाइप का स्पीडोमीटर मिल रहा है, यहाँ पर आप लोगों को फ्यूल इंडिकेटर जो एनालॉग में ही मिल रहा है, उसके साथ यहाँ पर न्यूट्रल का इंटीग्रेशन, फिर इंजन चेक लाइट, टर्न इंडिकेशन और हाई बीम का इंटीग्रेशन यहाँ पर की मिल रहा है और उसके साथ साथ यहाँ पर होंडा का लोगो मिल रहा है। देन बात कर और इस बाइक का पीछे से आप देख सकते हो पीछे का जो आपको ब्रेक लाइट हो गए, बैक लाइट हो गए, वो आपको हेलोजन में ही मिल रहा है और टर्न इंडिकेटर येलो में हेलोजन में ही मिल रहा है। और देन पीछे में आप लोग होंडा का बैजिंग मिल रहा है और पीछे का भी लुक बेसिक सा ही रखा गया है। और लेफ्ट साइड पे देख सकते हो आप यहाँ पर कंपनी फिटेड साड़ी गार्ड मिल रहा है और पीछे में आप लोगों को ट्विन स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन मिल रहा है। और आप देख सकते हो इसका आप लोगों को 4-speed मैनुअल गियरबॉक्स मिल रहा है और इसका इंजन है 98.4 cc का एयर कूल फ्यूल इंजेक्टर, BS6 फेज 2 OBD2 कम्बाइन फ्यूल E20 फ्यूल को सपोर्ट करने वाला ये जो इंजन है इस बाइक से, इस इंजन से आप लोगों को इस बाइक में मैक्सिमम पावर जो है ये मिल रहा है 5.43 kW का, जो कि आप लोगों को सिर्फ 7500 RPM पे। और इस बाइक का टॉर्क मिल रहा है 8.5 Nm का टॉर्क मिल रहा है, जो कि टॉर्क और पावर के मामले में सफिशियंट है। तो इसको
कहीं पर भी आप लोगों को पावर का लैग नहीं मिल रहेगा। 100cc बाइक में जितना तक पावर आप लोगों को चाहिए उतना तो आराम से ही दे देगा। और यहाँ पर देख सकते हो क्लोज टाइप चेन स्पॉकेट, और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि टायर प्रेशर वगैरह को इंडिकेट करता है। तो राइट साइड में आप देख सकते हो इसका जो एग्जॉस्ट के ऊपर में कवर लगा हुआ है, और फिर यहाँ पर देख सकते हो पीछे का जो टायर है ये 3.017 का टायर मिल रहा है, जिसका इसका जो अलॉय व्हील है ये आप लोगों को 17 इंच का मिल रहा है। और इसका जो पीछे का ड्रम है ये आप लोगों को बेसिकली 110mm का ड्रम पीछे में, जो कि ब्रेकिंग के मामले में काफ़ी अच्छा है। और देख सकते हो आप नीचे का साइड स्टैंड कट ऑफ के साथ सेंटर स्टैंड का फीचर्स आ रहा है, और यहाँ पर किक का भी ऑप्शन इस बाइक में अवेलेबल है। और यहाँ पर मोबिल फिल्टर, जिसको आप हर दो बार मोबिल चेंज करने से एक बार चेंज करने का ज़रूरत है, और यहाँ पर मोबिल फिलअप का प्लेस, और यहाँ पर छोटा सा कैटलरी कन्वर्टर, और ये जो पाइप है ये पाइप काफ़ी छोटा सा है। फिर बात करते हैं नीचे में, देख सकते हो पूरा बेंड होकर पाइप जा रहा है। देन इस बाइक का राइट साइड में देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों क्रोम का फीचर, और यहाँ पर साइन का लोगो, और ESP टेक्नोलॉजी का यहाँ पर इंट्रीकेशन। देन बात करते हैं इस बाइक का आज का डेट में प्राइस। तो आज का डेट में इस बाइक का मित्रपुर RK होंडा में ऑन रोड प्राइस मिल रहा है 80,700 समथिंग। देन आपको होंडा का कोई भी बाइक चाहिए, यहाँ पर देख सकते हो आप होंडा का कोई भी बाइक या फिर स्कूटर चाहिए तो डेफिनेटली आप आ सकते हो मित्रपुर RK होंडा शोरूम में। होंडा का कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। और थैंक्स फॉर होंडा RK होंडा मित्रपुर, जिसने ये बाइक को मुझे प्रॉपरली रिव्यू करने के लिए कर प्रोवाइड किया गया है। देन मिलते हैं नेक्स्ट कोई अच्छा सा बाइक के ऊपर अच्छा सा एक रिव्यू लेकर। ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में बताना मत भूलना। इस तरह का वीडियो और भी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।